न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर गुलोहा से आ रही है। सरकारी सुविधाएं के लिए ही दीना 8 वर्ष से लग रहा अधिकारियों का चक्कर। जनपद के खड्डा विकासखंड के ग्राम सभा बुलहमा बीजगंज में ताजा मामला प्रकाश में आया है। बताते चले कि कुछ ऐसा मामला है कि यह कहा जा सकता है कि गरीब होने की तकदीर में लिखा था, जिसकी कभी भी तस्वीर नहीं बदल सकती है। खड़ा विकासखंड के ग्राम सभा बुलहमा किरण देवी ने पत्नी दीना का कहना है कि 4 साल के अंतराल में 2 बार आगजनी का शिकार हुए हैं, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। सरकार द्वारा कभी भी कोई मदद नहीं मिली। सरकार द्वारा चलाए गए ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना हो या किसी भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ आज तक सभी लाभ से वंचित है। हम प्रार्थी अधिकारी के चक्कर में 8 साल से लग रहे हैं, लेकिन गरीब दीना नहीं सुनने वाले कोई नहीं है। ग्राम प्रधान से शिकायत की, उन्होंने कहा कि तुमने हमको वोट नहीं दिया तो हम आप तुमसे क्या प्रभाव करें। मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। यहां तक कि दीना का कहना है कि तहसील खड्डा जिलाधिकारी कुशीनगर योगी दरबार गोरखपुर में यहां पर जनता का दरबार लगता है, वहां शिकायत को लेकिन आश्वासन से सिवाय कुछ नहीं मिला। आज भी झोपड़ी में रहने वाले को मजबूर है। अब तो भगवान भरोसे ही जीवन काटने के लिए लिखा हुआ है। अब नेताओं और अधिकारियों पर से भी भरोसा उठ चुका है। दीना साहनी, पिताजी क्या नाम है? संत साहनी। ग्राम सभा बुलावा, पोस्ट छितौनी पट्टा। तो क्या सरकार की सुविधा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है या शौचालय है, क्या इसका लाभ आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है। दो बार घर जरा है, 2012 में जरा है, 2016 में भी जरा है। आज तक कोई आवास नहीं मिला, चाहे कोई मतलब फंड नहीं मिला हमको। सरकार की कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं? कोई नहीं मिला। तो क्या इस संबंध में आप किसी सक्षम अधिकारी तक शिकायत किए हैं? हम ऑनलाइन किए हैं, 2-2 बार, 4 बार मैं तहसील में तहसील दिवस को दरखास्त दिया हूँ। वीडियो का 2-3 बार दिया हूँ, 2-4 बार पेपर में लिखवाया हूँ। गोरखपुर अथी से कार्यालय से दरखास्त लिया, गोरखपुर कार्यालय से दरखास्त लिखवाए थे। तो गोरखपुर कार्यालय में किस जगह से दरखास्त लिखवाए थे? यहाँ वो अथी लगता है, जनता दरबार लगता है, वहीं से जनता दरबार बगल में कार्यालय है मुख्यमंत्री योगी। हाँ, योगी जी का वहाँ पर अथी है, जनता दरबार लगता है। हाँ, वहीं से लिखवा कर लिया कर। तब भी आपको किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई? आपके घर में कौन कौन है? मेरा मातारी है, 90-100 साल का पुरानी आदमी है, एक हमारा औरत है, एक हम है। आप है। और आपके पिताजी हैं? नहीं, वो तो हम कोरम थे तभी मर गए। अच्छा, यानी आप बचपन से ही अनाथ की जिंदगी जी रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। दो बेर घर भी जरा है, पैखाना भी आज तक। घर जलने के बाद क्या उसका भी सरकारी सुविधा का लाभ आपको नहीं मिला? नहीं मिला है आज तक, कोई लाभ नहीं मिला। प्रधान लग जाते हैं तो प्रधान बोलते हैं वोटे नहीं दिए हो तुम। कौन है यहाँ का ग्राम प्रधान? उर्मिला देवी है, उनका पति का नाम है उमा प्रधान। सेक्रेटरी के पास गए तो सेक्रेटरी बोल रहा 1500 मांग रहा था, 5000 रुपया, तो बर्तन बांधने धो के 1500 रुपया दिए उसको। बोला पैखाना आवास लिए दिए थे 1500। वो बोल रहे थे पैखाना आवास देंगे तुमको, 1 महीना के अंदर में आ जाएगा तुम्हारा पास। कितना दिन हो गया लगभग? जन्माष्टमी को उधर दिया, 4-6-7 महीना हो गया, लेकिन अब तक कोई सुविधा और कोई सुनवाई आप नहीं खुले। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस